दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं हूं इस वीडियो के लिए आपका होस्ट शार्थिक रॉय और आप देख रहे हैं ब्रेन्स की बात। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जी हां आपको पता ही होगा, इट्स फाइनली टाइम, वो वक्त आ चुका है कि 13 रीजंस व्हाई नेटफ्लिक्स शो का फाइनल सीजन रिलीज होने वाला है। और इससे पहले कि वो रिलीज हो और आप देखना शुरू करें, शायद आप पिछले सीजन भूल चुके होंगे। तो हम वन बाई वन सारे सीजन के वीडियो लाने वाले हैं एंड विल मेक अ कम्बाइन ऑफ सीजन 1, 2 एंड 3। तो अगर आपको सारे वीडियोज चेक करना है ताकि आप 13 रीजंस व्हाई सीजन 4 में जाने से पहले 1, 2, 3 में एक बार कैचअप हो जाए और आपको याद दिला सकूं मैं सारे प्लॉट लाइंस या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी होगी इस सीजन की स्टोरी को समझने के लिए, तो प्लीज़ गाइज गो अहेड, हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन क्लिक कीजिए, क्योंकि एज सून एज आवर वीडियो ड्रॉप्स यू विल बी गेटिंग नोटिफाइड। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए अभी फाइनली बात करते हैं सीजन 3 के बारे में। और मैं आपको पहले ही बता दूं, पिछले दो सीजन थे उसमें कुछ फॉर्मेट हमने फॉलो किए थे। एक तो था ऑब्वियसली वो फॉर्मेट जहां पर हम देखते हैं कि कैसेट्स का फॉर्मेट था, हर एक कैसेट को प्ले कर रहे थे एंड उसमें से हम हैना के मेमोरीज या फिर हैना के उस कैसेट में वॉइस रिकॉर्डिंग्स के थ्रू से वो पास्ट के इंसिडेंट्स रिविजिट कर रहे थे। दूसरा जो था उसमें मेन थीम पोलरॉइड होके भी हम जब फ्लैशबैक में जाते थे तो एक्चुअली इट वाज बेस्ड ऑन वो जो गवाही देते थे कोर्ट में वो लोग, द स्कूल, द लिबर्टी हाई वर्सेस द बेकर्स के फैमिली जो है हैना के सुसाइड केस के लिए स्कूल को रिस्पॉन्सिबल डालना चाहते थे। उस केस के जो सुनवाई थी उसमें हर किसी के गवाही से हमें वो फ्लैशबैक में स्टोरी देखने को मिला था। इस सीजन में ऑन द अदर हैंड वी सी, हम ट्रेलर से ही हमको पता चलता है कि ब्राइस वॉकर जो है उसका मर्डर हो चुका है और शायद ही कोई कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो हम देखते हैं कि आखिर तक सीजन 1 के आखिर तक जो हमें पता चला था रियलाइजेशन और वो जो हेट बिल्डअप हुआ था थ्रू आउट सीजन 2, ईच एंड एवरी वन आउट देयर माइट हैव अ मोटिव टू किल ब्राइस। सो ब्राइस को किसने मारा था वही कह सकते हैं एक मर्डर मिस्ट्री टाइप का सीजन है, काफ़ी अलग है पिछले दो सीजन से फॉर्मेट। एंड इसमें भी फ्लैशबैक के थ्रू से ही हमें पता चलता है कि क्या होता है, क्योंकि प्रेजेंट में हम जब सीजन पिकअप करते हैं तो ब्राइस ऑलरेडी मिसिंग है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सीजन का स्टोरी वन बाई वन एंड वट वी हैव डन इज टू मेक द वीडियो मोर इजी फॉर यू टू रिमेंबर द एंटायर सीजन। हमने कैरेक्टर वाइज, कैरेक्टर आर्क वाइज ब्रेक डाउन किया है। तो सबसे पहले ब्राइस का आर्क ऑब्वियसली है, प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ब्राइस मिसिंग है एंड हिज मदर इज रियली वरीड जो वो कहाँ है। उन्हें एक शक होता है, डाउट होता है कि शायद ब्राइस को कुछ हो गया है। इवेंचुअली हम देखते हैं कि ब्राइस का डेड बॉडी मिलता है ओशन में एंड उससे पहले तो हमें लगता है कि शायद वो खुद से कूद गया था एंड ऑल, बट लेटर ऑन वी फाइंड आउट दैट ही हैज बीन बीटन टू डेथ एंड देन थ्रोन इनटू द रिवर। तो इसके बाद हम जो पास्ट वाला जो आर्क है ब्राइस का उसके बारे में बाद में बताना चाहते हैं, पहले कुछ दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इस सीजन का है टाइलर, जो हम देखते हैं कि टाइलर को स्कूल शूटिंग में जाते हुए 8 मंथ्स हो चुका है और 8 मंथ पहले कैसे टोनी और क्ले ने उन लोगों को बचाया, टाइलर को मेनली बचाया था, वो पूरा आर्क देखते हैं। फिर टाइलर को जो दूसरा चांस दिया है बेसिकली क्ले और टोनी ने, तो वो उसके लिए आभारी फील करता है और इवन टाइलर को एक एक करके, एक दिन टोनी एक दिन क्ले, ऐसे ऐसे करके सब लोग उसे अकॉम्पनी करते हैं ताकि वो फिर से फिगर ना हो, उसको पूरा केयर रखते हैं। और ऐसे टाइलर भी फ्लावरिश करता है, धीरे धीरे वो ठीक होता है, अपना सही पाथ जो है वो चूज करने लगता है एंड इवेंचुअली वी सी टाइलर स्टैंड अप अगेंस्ट व्हाट हैज हैपेंड टू हिम। वो अपना जो एसल्ट हुआ था उसके साथ वो शेयर करने लगता है सबके साथ, इवन जेसिका उसे एकदम ठीक से समझ पाती है क्योंकि शी इज ऑल्सो बीन अ रेप विक्टिम। सो दे शेयर ऑल दिस अमेजिंग कैरेक्टर मोमेंट्स विद ईच अदर। तो इन दैट वे फाइनली कुछ अच्छा देखने को मिला था हमें टाइलर के साथ, जो कि बहुत ही घिनौनी चीज हुई थी उसके साथ। तो इन दैट वे इट वॉज रियली गुड। एंड पहली जब हम क्ले के आर्क में आते हैं इस सीजन में, तो क्ले के साथ इस बार बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि बेसिकली एवरीवन इज सस्पेक्टिंग, स्पेशली द पुलिस एज वेल एज ब्राइस की मॉम, क्ले ने शायद ब्राइस को, ब्राइस के मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट क्ले जेंसन हैड द बिगेस्ट फ्यूड विद ब्राइस। वो एक बार घर में जाके उसके कन्फेशन रिकॉर्ड करके फाइट कर चुका है, फिर दूसरी बार गन लेके गया था, उसका भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है। थ्रू आउट द शो ही इज बीइंग सस्पेक्टेड, इवन Annie also kind of picks him at a point, but eventually she tries to help him out of this. So, ये क्ले का जो आर्क है काफी प्रेशर से जूझता है, लेकिन फाइनली वी कैन सी ही हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम हैना। ही फाइनली बिड गुड बाई टू हर, हर गोस्ट दैट ही यूज्ड टू सी ड्यूरिंग हर फ्यूनरल, एंड वो फिर से लाइफ शुरू करना चाहता था एनी के साथ। लेकिन ब्राइस कंटिन्यूसली फ्लैशबैक में हम देखते हैं ब्राइस के साथ हर एक एनकाउंटर उसे ज्यादा से ज्यादा ट्रिगर करता रहा है एंड ही हैज गॉटन रियली एंग्री एंड डिफरेंट, बट स्टिल एनी के साथ रहते रहते वो शायद थोड़ा बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर भी उसे मिला है। एंड जब इवन ही लर्न्स अबाउट एनी, उसके बारे में हम एनी के आर्क में बताने वाले हैं, तो ही इज हार्ट ब्रोकन देन, बट स्टिल ही डिसाइड्स टू ट्रस्ट हर।
एंड आखिर तक हमें क्या होता है वो देखने को मिलेगा। अब जेसिका का जो स्टोरी आर्क है दैट इज बेसिकली जेसिका इज फाइनली ट्राइंग टू स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ। पिछली बार जो हुआ था शी गॉट द करेज टू यू नो गो हेड एंड टेल द ट्रूथ ऑन द स्टैंड, वो उसके लिए ही ब्राइस को फाइनली यूज कर चुके थे पुलिस, प्राइस को फाइनली सच्चाई सामने आया था। एंड दिस सीजन में हम देखते हैं कि जेसिका फाइनली स्ट्रेंथ ऑन एंड शी ट्राइज टू गो अहेड एंड रन फॉर द इलेक्शन, एंड वो कहती है जॉक्स के खिलाफ स्कूल के वो स्टैंड अप करती है एंड शी बेसिकली डिक्लेयर्स अ वॉर अगेंस्ट द जॉक्स बिकॉज दिस जॉक कल्चर ऑफ द स्कूल हैज रियली लेड टू ऑल दिस मिसहैप्स विद वुमेन थ्रू आउट द ईयर्स। सो वो फाइनली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मोमेंट हमें दिखने को मिलता है जेसिका में थ्रू आउट। मिडल में कभी कभी हम देखते हैं कि वो थोड़ा बहुत ओवर एज हो जाती है, ऑब्वियसली एवरीवन इज काइंड ऑफ स्टिल अफेक्टेड बाय द इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड। एंड हम जैक का जो स्टोरी लाइन है, जैक का जो आर्क है, उसमें हम यही देखते हैं कि जैक फाइनली आखिरी सीजन में हम देखते थे कि शायद कुछ ज्यादा ही हर्ट हुआ था हैना के जाने से एंड ही यूज्ड टू स्टैंड अप फॉर ब्राइट, बट फाइनली ही हैज गॉन अगेंस्ट हिम एंड इवन स्टार्टेड हेटिंग हिम। बट इस सीजन में वो एक बहुत ही अच्छा काम करता है, वो कि ब्राइस के जो एक गर्लफ्रेंड है क्लोई, जो अभी फाइनली शी हैज गिवन अप ब्राइस आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट काइंड ऑफ एनिमल और मॉन्स्टर ही इज, वो क्लोई को सपोर्ट करता है। इवन जब एबोर्शन की बात आती है तो वो क्लोई के पास फुल टाइम रहता है एंड इवेंचुअली दे स्टार्ट बॉन्डिंग ओवर ईच अदर एंड स्टार्ट लाइकिंग ईच अदर एंड वो लोग रोमांटिकली एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं, एक दूसरे को एम्प्टी फील करवाने से रोकते हैं एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल आर्क ऑन जैक्स पार्ट, बट दैट डज नॉट एंड वेल, वी आर कमिंग टू दैट इन अ सेकंड। अब टोनी का जो आर्क है, टोनी का आर्क बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है क्योंकि फाइनली हम देखते हैं कि टोनी का जो फैमिली है वो डिपोर्टेड हो चुका है एंड टोनी कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द सीजन स्ट्रगल्स टू कीप हिज फैमिली बिजनेस ओपन एज वेल एज ट्राइंग टू कोप विद द फैक्ट दैट ही डजंट कांट सी देम फॉर डोंट नो हाउ लॉन्ग। उसका जो बॉयफ्रेंड है जो उसका ट्रेनर भी है एंगर मैनेजमेंट में बॉक्सिंग क्लास में, तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो एज अ फ्रेंड भी अपना कोशिश करता रहता है। इवन उसका फेवरेट जो मस्टैंग कार है वो भी उसे बेच देना पड़ता है कुछ पैसे के लिए एंड इवेंचुअली ही लर्न्स दैट इट वाज ब्राइस लॉयर्स दैट रिपोर्टेड हिज फैमिली। इससे वो और भी ज़्यादा ब्राइस के तरफ हर्ट हो जाता है। थ्रू आउट हम देखते हैं कि हर किसी का थोड़ा बहुत मोटिव हमें देखने को मिलता है एंड देन कम्स मॉन्टी मॉन्टोगोमरी द विलन द मॉन्स्टर फ्रॉम द लास्ट सीजन हू डिड द इनह्यूमन एक्ट। हम इस सीजन में भी इवन कहे तो थोड़ा बहुत उसके कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा जानने को मिलता है हमें। इवन हम देखते हैं एक पार्टी में ही गॉट इन्वॉल्व विद दिस गाय एंड दैट गाय एंड ही ऑल्सो प्रोबेबली हैज दिस होमोसेक्सुअलिटी एंड उसका जो तो वो उससे भी डील करता रहता है एंड इवेंचुअली हम देखते हैं कि व्हाई ही इज सच अ वायलेंट, वो इतना डिस्टर्ब इतना सिक माइंडेड क्यों है, क्योंकि उसकी फैमिली जो है स्पेशली उसके डैड उसे पीटते हैं ड्रंक होके, तो उसी के लिए वो शायद बहुत ही चाइल्डहुड अब्यूज सह के बड़ा हुआ है, फिजिकल अब्यूज, तो इससे उसको ऐसा जो सिक मेंटेलिटी है वो क्रिएट हुआ था एंड इवेंचुअली वी सी हाउ मच ही सफर्स थ्रू आउट टूवर्ड्स द एंड ही हैज टू गो टू जेल व्हेन दैट हैपेंस एंड ही इज इवेंचुअली किल्ड इन जेल एंड दैट इज ऑल्सो रियली हॉरिफिक एंड टू एन हॉरिफाइंग कैरेक्टर। सो इस सीजन का विलन तो मॉन्टी था ही, पिछले सीजन से हम देखते हैं इवन ब्राइस से शायद खतरनाक कैरेक्टर था, फिर भी कहीं ना कहीं राइटर्स हमें रिकॉन्साइल करते हैं कि हम ब्राइस और मॉन्टी के जो रीजंस है व्हाई दे आर लाइक दिस वो समझे। इससे मैं फाइनली कहता हूँ ब्राइस के स्टोरी आर्क के बारे में थोड़ा बहुत। ब्राइस का स्टोरी आर्क बेसिकली जो फ्लैशबैक में है उसमें हम देखते हैं कि ब्राइस ऑब्वियसली प्रेजेंट में डेड है, पूरा स्टोरी आर्क फ्लैशबैक में, इनफैक्ट सारे जो फ्लैशबैक है वो ब्राइस को लेकर ही, बाकी कैरेक्टर्स के ब्राइस के साथ इंटरेक्शन को लेकर ही बने हैं एंड थ्रू आउट हम देखते हैं कि ब्राइस थोड़ी थोड़ी करके वो समझने लगता है कि एक्चुअली क्या हुआ है एंड हाउ मच रॉन्ग ही हैज डन, ही वांट्स टू फिक्स हिमसेल्फ। राइटर ये क्लेवर ट्रिक करते हैं कि हमें थोड़ा बहुत उसके कैरेक्टर की ह्यूमन पार्ट को दिखाते हैं कि हर ह्यूमन से गलती हो जाती है या फिर मॉन्स्टर होके भी शायद वो कुछ कहीं ना कहीं उनके दिल में कुछ होता है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ऑब्वियसली बाय द एंड ही अगेन कम्स बैक टू हिज नेचर एंड जो कुछ भी हो उसके अंदर वो बात तो है ही ब्राइस के अंदर। इवन हम ब्राइस के फैमिली लाइफ उसके डैड के बारे में और ज़्यादा जानते हैं एंड वी सी दैट ही ट्राइज टू हेल्प टोनी बाई गिविंग हिम कार, ही ऑल्सो ट्राइज टू कनेक्ट टू एलेक्स, ही ट्राइज टू इवन अपोलोजाइज, वो टाइलर से अपोलोजाइज करता है, इवन वो मॉन्टी को थ्रेट देता है टाइलर के लिए, तो वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करता है। इवन जेसिका से वो बात करना चाहता है, वो बेसिकली वो ज़्यादा फील करता है जब उसे स्कूल से दूसरे स्कूल में भेजा जाता है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्कूल है और वहाँ पर ऑलरेडी सब उसका मजाक उड़ाते हैं, तो बेसिकली ही इज गेटिंग बुलीड इन दैट स्कूल एंड इससे वो शायद और ज़्यादा फील कर सकता है कि उसने बाकी लोगों के साथ क्या किया। लेकिन इवेंचुअली हम देखते हैं ही शट डाउन बाई एवरीवन एंड दैट इज ऑब्वियस ही था कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि उसने जो किया है उसके बाद कोई इजीली उसे कैसे माफ़ कर सकता है। अगर हम एलेक्स की स्टोरी में आए तो देखते हैं कि वो ब्राइस को इतना हेट करता था, उसने प्रोबेबली उसके लाइफ को में कुछ ज़्यादा ही बुरे वक्त दिए थे, लेकिन उसके बाद भी वो
ब्राइस के साथ ब्राइस डील करता था एंड ब्राइस के साथ वो कुछ ड्रग्स का लेन देन करने के लिए ब्राइस के घर में जाता था एंड इवेंचुअली काइंड ऑफ दे हैड दिस बॉन्डिंग एंड वो इवन एक साथ कुछ मजेदार चीजें भी करते हैं एंड वन डे दे गो एंड अप गोइंग टू दिस मैंस हाउस क्योंकि उसके साथ ब्राइस का कुछ दुश्मनी था एंड दे एंड अप इन स्केयरिंग हिज किड बैडली. उससे एलेक्स को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है एंड ही रियलाइजेज हाउ लॉन्ग ही हैज बीन गोइंग आउट एंड हैंगिंग आउट विद ब्राइस. सो वो आखिर तक ब्राइस को हेट करता है एंड इवेंचुअली हमें सीजन में आखिर में देखा ही कि एलेक्स ही था जिसने सबसे बड़ा कदम उठाया था. उसमें थोड़ी देर बाद आते हैं और एक कैरेक्टर जो है हमारा फेवरेट बन चुका था लास्ट सीजन में, वो और कोई नहीं जस्टिन है. और जस्टिन का जो स्टोरी आर्क है, बेसिकली जस्टिन का स्टोरी आर्क यही है कि जस्टिन फिर से स्ट्रगल करता है अपने एडिक्शन को लेके, बट फाइनली हम देखते हैं उसका केका जोड़ी प्रोबेबली द बेस्ट पार्ट ऑफ द शो बन चुका है. लेकिन उसका ये हैबिट काफ़ी अनॉइंग है एंड रिपीटेटिवली वो स्ट्रगल करता है. इवन एट अ पॉइंट हमें लगता है कि जस्टिन ने कुछ गलत कर दिया था, लेकिन इवेंचुअली वी लर्न दैट ना, जस्टिन आखिर तक अपने आप को पुल टुगेदर कर लेता है एंड काफ़ी इमोशनल भी था जस्टिन का आर्क एंड ही इज रियली ग्रेटफुल टू हिज न्यू फैमिली. अभी जो नई गर्ल है एनी, जी हाँ, उसके बारे में बहुत कुछ सीक्रेट्स हमें पता चलने को मिलता है. तो हम सीरीज के शुरू में देखते हैं शी इज रियली क्लोज विद क्ले एंड हैज बीन दैट फॉर अ फ्यू डेज, बट एक्चुअली में उसकी जो मॉम है वो ब्राइस के घर में काम करती थी एंड शी वॉज ऑल्सो देयर एज अ हाउस होल्ड हेल्प. एंड करते करते वो ब्राइस को जानते हुए उसे पता चला था कि ब्राइस एक्चुअली में सॉरी है. इनफैक्ट वो सब कुछ जान के कि ब्राइस ने क्या किया था, शी वॉज सेक्सुअली इन्वॉल्व विद ब्राइस एंड इवन रोमांटिकली वो ब्राइस को पसंद करती थी कुछ ज़्यादा ही. आखिर तक वो इसीलिए ब्राइस के मर्डरर को ढूंढना चाहती थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्राइस के लिए जस्टिस चाहती थी. और क्ले को जब ये पता चलता है ऑब्वियसली क्ले बहुत ही हर्ट होता है. सो टूवर्ड्स द एंड द मेन इवेंट दैट हैपेंस इज द होम कमिंग, जहाँ पर मेनली जब ब्राइस के स्कूल से लोग जो लोग आते हैं होम कमिंग रग्बी मैच के लिए लिबर्टी हाई के अगेंस्ट खेलने में, तो वहाँ पर जैक डेम्सी अब जो कैप्टन बन चुका है उसके साथ ब्राइस का फ्यूड ज़्यादा बढ़ जाता है. जब ब्राइस ये देखता है कि क्लोई अभी जैक के साथ है, उसे यही लगता है कि जैक ने उसके गर्लफ्रेंड को चोरी कर लिया एंड ही रिएक्ट्स इन द वर्स्ट वे पॉसिबल. वो अपने करतूत में लौट आता है एंड ही बिकम वायलेंट एंड इट एंड्स अप इन हैविंग अ वॉर जिसमें बेसिकली सब शामिल होते हैं एंड इट एंड्स अप इन टर्निंग इनटू दिस नाइटमेयर ऑफ अ सिचुएशन एंड सब इसे कंट्रोल करने में इतना बिजी हो जाता है कि उसके बाद क्या होता है नहीं पता चलता. ब्राइस बहुत ही ज़्यादा अपसेट होके एक बार आखिरी बार जेसिका से बात करना चाहता है, इसीलिए वो जेसिका को एक लोकेशन बता के चला जाता है. बट हम देखते हैं इसके बाद जैक वहाँ पर पहुँचता है और जैक बहुत ही बुरी तरह से मार देता है ब्राइस को, क्योंकि मैच के दौरान ब्राइस ने जैक को इतनी खराबी से हर्ट किया कि उसका लेग जो है वो बर्बाद हो गया. इससे उसका रग्बी कैरियर एज वेल एज उसका जो स्कॉलरशिप है दोनों ही अफेक्ट होने वाला था. इसीलिए वो इस गुस्से से ब्राइस को बुरी तरह से टूटता है एंड उसको वहीं पर छोड़ देता है. तो उससे इसीलिए थ्रू आउट द सीजन किसी जगह में गलती लगा था, वो सोचता था उसी ने शायद मार दिया ब्राइस को पीट के और ब्राइस शायद टूट गया था पानी में. लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद वहाँ पर कोई और आया था, कोई और नहीं जेसिका थी जो बात करना चाहती थी ब्राइस से, लेकिन वो एलेक्स को अपने साथ लाई थी. और हम देखते हैं कि एलेक्स ही वो आखिरी लड़का था जो आखिरी मोमेंट तक स्नैप किया. और ये काफ़ी वियर्ड है क्योंकि एलेक्स ही एकमात्र ऐसा कैरेक्टर था एनी के अलावा जो ब्राइस के साथ थोड़ा बहुत क्लोज आया था, बॉन्डिंग किया था, लेकिन वो ब्राइस को धक्का देके फेंक दिया था एंड दे कम होम एंड दे हैव बीन हाइडिंग द सीक्रेट एवर सिंस. तो इवेंचुअली टूवर्ड्स द एंड वी सी दैट एनी जो है इवन ब्राइस से मोहब्बत करने के बाद भी वो जब सारा सिचुएशन समझती है तो वो एक प्लान लेकर आती है एंड वो जब गवा देते हैं सब स्टूडेंट्स ब्राइस के मर्डर केस में, तो वो लोग किसी तरह से एलेक्स के डैड को ये मना लेते हैं कि द बेस्ट थिंग इज टू, स्पेशली एनी डज दिस, इज टू ब्लेम द थिंग ऑन मॉन्टी. एक मॉन्स्टर ने दूसरे मॉन्स्टर को मार दिया एंड मॉन्टी इज इवन डेड. सो इन एन वे वो लोग मॉन्टी पर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, जस्ट उसका नाम खराब हो रहा है, तो शायद वो इनजस्टिस है. लेकिन इन द एंड मॉन्टी ने भी गलत कुछ किया था, तो प्रोबेबली दिस इज द राइट वे टू गो. एंड यही सब मान लेते हैं आखिर तक. हम देखते हैं सब एक साथ एक स्ट्रांगली रहते हैं एलेक्स को बचाने के लिए एंड एलेक्स काफ़ी आभारी रहता है सब पर. लेकिन आखिर मोमेंट पे हम देखते हैं मॉन्टी ने जिस लड़के के साथ उस रात पार्टी के रात में ही हैड सेक्स विद, ही स्टिल हैड फीलिंग्स फॉर मॉन्टी थ्रू आउट एंड उसको सब पता चल जाता है. एंड वो यही कहता है कि इट्स नॉट फेयर कि उसके नाम में ये गलत इल्ज़ाम लगे, मॉन्टी ये डिजर्व नहीं करता था क्योंकि वो ऑब्वियसली मॉन्टी से प्यार करता है. एंड ही इज़ हर्ट बाई हिज डेथ एंड ही अक्यूजेज ऑल ऑफ आवर मेन कैरेक्टर्स फॉर डूइंग दिस. यहीं पर सीजन 3 खत्म होता है. ऑब्वियसली सीजन 4 में इसी इसको कंटिन्यू करने वाला है. वो मॉन्टी के लिए जस्टिस चाहेगा एंड बाकी कैरेक्टर्स कैसे हैंडल करेंगे एलेक्स, क्या बच पाएगा और इवेंचुअली ही विल गेट कन्विक्टेड. तो वही हमको देखना है आखिरी सीजन में जो आज निकलने वाला है द फाइनल सीजन. सो गाइस गेट रेडी फॉर इट एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा गिव इट थम्स अप. और अगर आप सीजन 4 में वीडियो चाहते हैं हमारी तरफ से एंडिंग एक्सप्लेनेशन या फिर होल सीजन का समरी, तो अभी जाके हमें सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लेट अस नो यू वांट अस टू मेक दैट वीडियो. और हमारे इस चैनल में सिर्फ 13 रीजंस ही नहीं, बहुत सारे ऐसे नेटफ्लिक्स सीरीज के हम रिकैप्स करते रहते हैं, रिव्यूज़
हिंदी में एंडिंग एक्सप्लेनेशंस भी करते हैं, यहाँ तक कि अमेजन प्राइम सीरीज, अमेजन प्राइम मूवीज, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवीज, इवन वी डू अ लॉट ऑफ बंगाली स्टफ, होइचोई, आड्डा टाइम्स एंड ऑल्ड बालाजी स्टफ, ऑल्सो वी डू स्टफ फ्रॉम वूड, इनफैक्ट सारे जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के कुछ बेस्ट शोज, और हम इवन बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड के टॉप 10 लिस्ट करते हैं सजेशंस आपके लिए जो आपको क्या देखना चाहिए। तो पूरा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का रिलेटेड कंटेंट हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा, तो अगर आपको वो सब देखना है और वो सब फॉलो करना है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, हमें हमारे सोशल मीडिया में फॉलो कीजिए और देखते रहिए ब्रेन्स की बात। बी ऑसम, बी सेफ गाइज, स्टे होम, प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड प्रोटेक्ट अदर्स ऑल्सो। थैंक यू गाइज, आई सी यू नेक्स्ट टाइम। शातिक साइनिंग ऑफ, गुड बाई।